हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बुलंदशहर में सामने आया धर्मांतरण का मामला, पुलिस ने किया केस दर्ज, जांच में जुटी। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। यूपी के बुलंदशहर में लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला सामने आने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने हिंदू शिक्षिका को न सिर्फ प्रेम जाल में फंसाया बल्कि मदरसे में शिक्षिका का धर्म परिवर्तन करा, शारीरिक संबंध भी बनाए। पुलिस ने पीड़ित शिक्षिका के पिता की तहरीर के आधार पर विधि निरुद्ध धर्म परिवर्तन, रेप और SC ST एक्ट की धाराओं में FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के पिता नरेश कुमार के मुताबिक उनकी बेटी बुलंदशहर के गुलावठी में एक स्कूल में शिक्षिका है। 2 वर्ष पूर्व शिक्षिका की मुलाकात कस्बे में एक युवक से हुई। युवक ने शिक्षिका को अपना नाम अमन शर्मा बताया। आरोप है कि युवक शादी का झांसा देकर शिक्षिका से शारीरिक संबंध बनाता रहा, लेकिन युवक शादी के लिए रजामंद नहीं हुआ। इसी दौरान पीड़ित शिक्षिका को पता चला कि अमन शर्मा का वास्तविक नाम इंताक है और वह हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है। आरोप है कि युवक शिक्षिका को मदरसे में ले गया और उसका धर्म परिवर्तन भी करवा दिया, लेकिन युवक ने धर्म परिवर्तन कराने के बाद भी शिक्षिका से शादी नहीं की। आरोप तो यह भी है कि युवक ने शिक्षिका के परिवार वालों को जाति सूचक शब्द बोले और जान से मारने की धमकी भी दी। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। रिपोर्ट देखिए। इस प्रकार है, गुलावठी निवासी एक दलित समाज की हिंदू लड़की, उसको एक जिहादी द्वारा अपने प्रेम जाल में फंसाया गया, उसका लगातार यौन शोषण किया गया, वह शादी का झांसा देकर लगातार उससे पैसे लूटता रहा। कल बजरंगदल को यह विषय संज्ञान में आया तो बजरंगदल द्वारा यह मामला संज्ञान में आने के बाद में गुलावड़ी थाने में सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा उस अभियुक्त को पकड़वा कर मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें उस अभियुक्त के विरुद्ध लव जिहाद माने धर्म परिवर्तन व SC ST व 376 में मुकदमा पंजीकृत कराया गया व उस लड़के को जेल भिजवाया गया। आज आप परिवार के साथ गुलावटी थाने गए थे, किसे ले गए थे, क्या मामला था, पूरा वो बताइए पूरा विस्तार से। मेरा नाम विनीता है, मैं गुलावटी की रहने वाली हूँ। मेरी मुलाकात अब 2 साल पहले एक लड़के से हुई थी, उसने अपना नाम अमन शर्मा बताया था। तो अब से 15-20 दिन पहले वो मुझे मदरसे में लेकर गया था धर्म परिवर्तन कराने के लिए। ज़बरदस्ती जब मुझे पता चला कि वो मुसलमान है तब मैंने अपने घर वालों को बताया, इसलिए मैं और मेरे घर वाले थाने में गए थे और वो मुझे घुमाने फिराने लेकर गया था। ज़बरदस्ती उसने मेरे साथ उल्टे सीधा करा था, इसलिए मैं और मेरे घर वाले थाने में गए थे कार्रवाई के लिए। धर्म परिवर्तन का मामला है सामने है, क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई? देखिए, कल एक प्रकरण थाना गुलावटी क्षेत्र में संज्ञान में आया है, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण इस तरह का है कि 22 वर्षीय युवती जो अनुसूचित जाति है, उसका प्रेम संबंध एक दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ था और विगत 2 वर्षों से दोनों के बीच में संबंध थे। दोनों साथ साथ घूमते फिरते और बाहर आते जाते थे। लड़की उस लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन लगभग 4 दिन पहले आज से लड़के ने अपने ही समुदाय की एक लड़की से शादी कर ली, जिस बात से खिन्न होकर के लड़की ने लड़के के खिलाफ बलात्कार, गाली देने, SC ST एक्ट और धर्म परिवर्तन अधिनियम के अंतर्गत अभियोग दर्ज कराने की तहरीर दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, शेष निष्पक्षतापूर्वक पूरे प्रकरण की जाँच की जा रही है। हापुड़ और आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ हलचल। नमस्कार। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।